हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सारजी स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का महान व्यक्तित्व का चैप्टर नंबर 33 है, शहीद भगत सिंह। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे। भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर 1907 ईस्वी को लालपुर जिले में हुआ, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इनके जो नाम और इनका जन्म, दोस्तों इनका जो जन्म दिवस है कितने तारीख को और किस सन में हुआ था, ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे है लालपुर जिले में इनके पिता किशन सिंह अपने चार भाइयों सहित लाहौर सेंट्रल जेल में थे। माँ विद्यावती की धार्मिक भावना का भगत सिंह पर प्रभाव पड़ा। इनके परिवार में देशभक्ति कोट कोट भरी थी। उनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना का भगत सिंह पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, जो डेट यहाँ पे दे रखी है 13 अप्रैल 1919 का, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, ठीक है। और इसमें जो जनरल डायर था उसने उसमें रोल अटैक्ट आया था इंडिया में, और उसी रोल अटैक्ट के विरोध में एक जनसभा हो रही थी जलियांवाला बाग बाग में, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो जिससे इनके ये भगत जोत सिंह थे, इन पर इस चीज़ का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। शीशे से बाग की मिट्टी लेकर इन्होंने देश पर बलिदान होने की शपथ ली। नेशनल कॉलेज लाहौर में ये सुखदेव और यशपाल से मिले, तीनों मित्र क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। भगत सिंह जब बीए में पढ़ रहे थे, इनके पिता ने इनका विवाह करने की सोची। भगत सिंह ने बताया कि उसने तन और मन और धन से देश की सेवा की सौगंध खाई है, इस कारण विवाह से इनकार कर दिया। सन 1926 में लाहौर में उन्होंने नौजवान सभा का गठन किया। इसके उद्देश्य थे देशभक्ति की भावना जागृत करना, देश को स्वतंत्र करना, आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक आंदोलन को सहयोग देना तथा किसान मजदूरों को संगठित करना। इसी बीच में ये कानपुर में क्रांतिकारी व देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले, उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाने वाले लगे। भगत सिंह को लाहौर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मंत्री बनाया गया। भगत सिंह ने लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सांडर्स की हत्या कर दी और लाहौर से भागकर बाहर निकल आए। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर ने असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। उन्होंने लाहौर में सेंट्रल जेल में रखा गया। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अब दोस्तों इस चैप्टर के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है, भगत सिंह ने सीसी में भरी मिट्टी को शहीदों का खून क्यों कहा? उत्तर में लिखेंगे, भगत सिंह ने सीसी में भरी मिट्टी को शहीदों का खून कहा क्योंकि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरे निर्दोष निहत्थे भारतीयों का खून था। दोस्तों ये वही मिट्टी थी जहाँ पे अमृतसर का जो बाग था, जलियांवाला बाग था, उसी की मिट्टी को उन्होंने लेकर के सीसी में भर लिया और उन्होंने सौगंध खाई कि आज से मैं देश के लिए काम करूंगा, देश के लिए मरूंगा मिटूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड है, भगत सिंह शादी की खबर सुनकर क्यों दुखी हुए? उन्होंने अपने दोस्तों से क्या कहा? उत्तर में लिखेंगे, भगत सिंह तन मन और धन से देश के लिए बलिदान देने की प्रतिज्ञा ले चुके थे, इसलिए वे विवाह नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों मैं आपको बता दे कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, ठीक है। यानी कि अगर इनकी अगर शादी
गुलाम भारत में होती है तो इनकी दुल्हन जो होगी वो मौत को इन्होंने अपना दुल्हन माना है। बारात शव यात्रा बनेगी और बाराती होंगे शहीद। जो बारात इनकी होगी वो शव यात्रा होगी और जो बाराती रहेंगे वो सब शहीद होंगे। इन्होंने ऐसा अपने दोस्तों से कहा था। प्रश्न नंबर थर्ड है, नौजवान सभा का उद्देश्य क्या था? उत्तर में लिखेंगे, नौजवान सभा का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना, देशभक्ति जागृत करना, विभिन्न आंदोलन में सहयोग करना और किसान मजदूरों को संगठित करना था। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, उसमें जो नौजवान सभा हुई थी इनका उद्देश्य यही था कि जो स्वतंत्र भारत हमारा है वो उसको स्वतंत्र कराना है। इसमें लोगों के बीच में, लोगों में भक्ति की भावना जागृत करना है, आंदोलन जितने होते हैं उसमें सहयोग करना और किसानों मजदूरों को संगठित करना है। जो किसान है मजदूर है इनको क्या करना है, संगठित करना है, ये उसका उद्देश्य था। प्रश्न नंबर चार है, भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल क्यों की? उत्तर में कहेंगे, भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल इसलिए की क्योंकि वे वहाँ भारतीय कैदियों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। बाध्य होकर अंग्रेज ने अच्छे भोजन की व्यवस्था की। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, भगत सिंह जब जेल में थे वहाँ पे इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि जो भारतीय कैदी थे उनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे भूख हड़ताल की। इससे बाध्य होकर के जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अच्छे भोजन की व्यवस्था की थी फिर बाद में। प्रश्न नंबर पाँच है, क्रांति से भगत सिंह का क्या आशय था? क्रांति का शब्द क्या था भगत सिंह के लिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे, क्रांति के पीछे वास्तविक शक्ति जनता द्वारा समाज की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की इच्छा होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना, जो क्रांति होता है उसके पीछे क्या है, वास्तविक जो शक्ति होती है जनता द्वारा समाज की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की इच्छा होती है। प्रश्न नंबर सिक्स है, इसमें सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये बात सही है या गलत? तो दोस्तों बिल्कुल बात सही है। जैसा कि आपको पता होगा 23 मार्च को दिन शहीद दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु तीन लोग थे, उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है, भगत सिंह और सुखदेव ने असेंबली में बंक फेंका, ये बात सही है या गलत है? दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। पॉइंट नंबर थर्ड है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा सुनाई गई, ये भी बात बिल्कुल गलत है। पॉइंट नंबर चार है, इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी ने नौजवान सभा का गठन किया, ये भी बात बिल्कुल गलत है। और भगत सिंह की बड़ी बहन का नाम अमरो था, ये बात सही है। जो भगत सिंह की बड़ी बहन का नाम क्या था दोस्तों, उनका था नाम था अमरो। क्वेश्चन नंबर सात है, इस वाक्यों का आशय है, यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं उनका आशय पूछ रखा है। जैसे कि पहला वाक्य है, बेबे तुम चिंता मत करो और रोटी बनाओ, तो इसका आशय क्या है दोस्तों, इसमें लिखेंगे हम लोग उत्तर में, आशय में लिखेंगे, फांसी से पहले जब भगत सिंह की आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने उस महिला के हाथ की बनी रोटी खाने की इच्छा व्यक्त की जो जेल में उनके कमरे की सफाई करती थी और जिसे वे आदर से बेबे कहते थे, लेकिन उनके यह कहने पर कि मेरे हाथ पवित्र कहाँ है, भगत सिंह ने उक्त बात कही थी। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ये जो शब्द था उन्होंने उससे महिला के लिए बोले थे जो उनके लिए खाना और या कमरे की सफाई करती थी उसके लिए, उनसे इन्होंने ये जो ऊपर जो लिखी बात है जैसे कि बेबे तुम चिंता मत करो रोटी और रोटी बनाओ, उनके लिए बोली, लेकिन वो महिला कहती है कि तुम मेरे हाथ की बनी रोटी जो है कैसे खा सकते हो, मैं पवित्र नहीं, ये बात उन्होंने कहती है, लेकिन भगत सिंह को बात बोलते हुए कहते हैं और इसका आशय यही होता है कि आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न पॉइंट नंबर इसमें सेकंड है, क्रांति से हमारा आशय खून खराबा नहीं है, इसका मतलब क्या था, इसका आशय क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, क्रांति उसे कहते हैं जिसमें जनता की इच्छा से आवश्यक परिवर्तन लाए जाए जो लोक हित में हो और इन्हें लाने के लिए हिंसा जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ध्यान में रखें, क्रांति का आशय हुआ होता है, क्रांति उसे कहते हैं जिसमें जनता की इच्छा से आवश्यक परिवर्तन लाया जा सके जो लोक हित में हो और इन्हें लाने के लिए कोई हिंसा की जरूरत नहीं होती है, उसे हम क्रांति कह सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, इसमें बहरों को
सुनने के लिए बहुत ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है। इसका आशय क्या था? तो उत्तर में लिखेंगे, अंग्रेजों के कान खोलने के लिए डर दिखाना जरूरी था, जिससे अत्याचार करना छोड़ देते। तो ये जो बाहरों को सुनने के लिए जो ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है, अंग्रेज़ों के लिए बोला गया था उसमें, और अंग्रेज़ों के कान खोलने के लिए उनको डर दिखाना जरूरी था, इसका ही आशय होगा इस चैप्टर के अनुसार। इसी साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।